डस्ट कवर हुआ है। हमने डाली है ये कैसा क्रेयॉन्स। हाय गाइस, दिस इज अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है टेस्टिंग ऑफ द क्रेयॉन वायरल हैक्स फ्रॉम 5 मिनट क्राफ्ट। और क्रेयॉन्स मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास अब लिटरली वी आर रनिंग आउट ऑफ टॉपिक कि हम किस टॉपिक पे टेस्टिंग करें। तो और आप लोगों को टेस्टिंग चाहिए भी होती है, बहुत पसंद भी होती है, तो फिर करना पड़ता है कि नहीं। यू डू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, मेक श्योर कि आप लाइक अभी के दोबारा प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ वीडियोस में, एवरी वीक 4 डालने में, तो लाइक तो बनता है यार। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को 20,000 लाइक्स तक क्विकली पहुंचा दें। द मिनट द वीडियो रीचेस 20,000 लाइक्स मैं क्विकली पार्ट 2 के प्रिपरेशन चालू कर दूंगी। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी 20,000 लाइक्स तक पहुंचा लें अगर आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो। एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं वीडियोस पोस्ट करती हूं एवरी वीक, वो भी 4, दैट इज ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे शार्प at 12 PM। तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार एडिटिंग शूटिंग में, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है ना। एंड साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, दैट इज द मूव डॉल। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला हैक है वो है हमारा एनवेलप सील करने का, और एनवेलप है हमारे पास शादी का, जैसा कि आपको लास्ट ग्लू गन हैक में पता ही होगा, उसमें भी हमने यही शादी का कार्ड उठाया था और ये हमारे पास खूब सारे एनवेलप है। आप सोच ही होंगे हमने उस टाइम भी एक बर्बाद किया था, हाउ कम हमारे पास और है, दैट्स बिकॉज़ हमने बंडल में खरीद के रखे हैं। ये ऐसा नहीं है शादी में बहुत बुलाया जाता है, बट स्टिल खरीद के रखे हुए। ये रहे हमारे क्रेयॉन्स के 3 डिब्बे हैं मेरे पास, 10-10 रुपए। हमारे पास स्टैम्पर के नाम पे, हमने पिछली बार भी ये यूज किया था, हम सिक्का इसमें चिपका के इसको खराब करना नहीं चाह रहे, तो सिक्का हो या स्टैम्पर हो एक ही बात है। तो एनवेलप में गाइस हमारे ऑलरेडी ये धागा सा जो बंधा हुआ होता है वो ऑलरेडी है, हमने जूट का लगाने की जरूरत है, बट आप जूट लगा सकते हैं, थोड़ा क्लासी होने के लिए। हमारे पास ये आ गया लाइटर, और हमारे पास ये आ गया ऑरेंज क्रेयॉन। अब इसको करना है हमें मेल्ट और फिर देखते हैं क्या होता है। टेम्पर में चिपक गया पूरा का पूरा क्रेयॉन, और एनवेलप पे तो बेचारा गंजा ही रह गया बीच में से। ये क्या हुआ? मैंने उन्होंने सिक्के से करा था, तो मैंने सोचा क्या पता मैंने मेरे स्टैम्पर से किया तो खराब इस वजह से हुआ, तो मैंने सिक्के से भी करा है। एंड अब देखते हैं सिक्के को हटा के कि सिक्का जमता है कि नहीं जमता है। निकल के पूरा पूरा चिपक इसमें रहा है, तो दिस हैक इज नॉट गोना वर्क। चिल्लरों से भी करके देख लिया और चिल्लर से भी चिल्लर पार्टी नहीं बनी है इसकी। तो या दिस हैक इज नॉट रियली गुड, कॉज बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा। सो आई एम गोना गिव दिस 0, कॉज मेरा क्रेयॉन वेस्ट हो गया, मेरा लाइटर भी वेस्ट हो गया, क्योंकि मैं ऐसे कर रही थी तो लाइटर भी खराब हो गया, मेरा हाथ भी जल गया। सो नो 0। नेक्स्ट हैक में हमने बनानी है नेल पेंट, वो भी क्रेयॉन से। तो बना के देख लेते हैं, उन्होंने ली है लाल, हम भी ले लेते हैं लाल। अब भगवान जाने इसका क्या होएगा, बट करके देख लेते हैं। तो इसको अब माइक्रोवेव करके देखा जाए, और फिर हम डालेंगे इसमें क्लियर नेल पेंट, और फिर हमारी बड़ी शानदार सी नेल पेंट बन जाएगी, यही हमारी होप है। सो लेट्स सी। ओके गाइस, तो ये हम मेल्ट करके लिया है, ये उससे पहले कि जम जाए फटाफट इसमें क्लियर नेल पेंट डाली जाए। कितनी देर टिकेगी और कितनी अच्छी लगेगी वो बात की बात है, बट हाँ अगर ऐसी बात करी जाए तो भाई अच्छी लग रही है। सो 10/10 ऑन दिस वन। मैंने टच करके काफी सुखाने के बाद भी मैंने काफी देर देखा, तो देखा तो ये नहीं जम रहा है, जम ही नहीं रहा है, क्योंकि मे बी क्योंकि इसमें क्लियर कोट है ऑलरेडी, तो क्लियर कोट को जमने में टाइम लगेगा। तो आई वुड से जमने के बाद अगर आपको इसको लंबे समय के लिए लगाना हो तो इसमें क्लियर कोट लगाना जरूरी पड़ेगा। तो 10/10 हैक के लिए परफेक्ट, बट ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको क्लियर कोट की जरूरत होगी ऊपर। और नेक्स्ट हैक है उसमें बनाना है हमने बड़ा शानदार सा कैंडल। तो उन्होंने लिया है पेपर कप और साथ ही साथ कैंडल की विक। अब कैंडल की विक हमारे पास ऐसे पड़ी हुई नहीं थी, तो हमने एक कैंडल को डिस्ट्रॉय करके उसकी विक चुरा ली। अब इनको मोड़ना है, उन्होंने लिया था गैलेक्सी कलर्स, हम ले रहे हैं यहाँ पे रंग बिरंगे कलर्स, क्योंकि भैया हम है रंग बिरंगे लोग। और हम देखते हैं कि इसके क्या कलर्स निकल के आते हैं, तो हम ये सारे कलर्स डालते हैं इस बेचारे से पेपर कप में और देखते हैं क्या बनता है। Thank you.
सारे कलर्स डाल दिए हैं, अब देखा जाए मेल्ट करके। आई जस्ट होप, वी आर होपिंग एक्चुअली कि इसमें सारा का सारा कलर से ब्लैक ना हो जाए, क्योंकि हमने ब्लैक कलर्स भी डाले हैं, आई मीन ब्लैक तो गया, मोर लाइक डार्क कलर्स भी डाले, सारे कलर्स डाले। सो लेट्स होप उनकी गैलेक्सी की तरह हमारे भी कुछ ऐसे बन के आ जाए और सब कुछ मिल के एक एक कलर बन जाए। सो लेट्स गो एंड डू दैट। ओके गाइस, ये जम के आ गया है हमारे पास टूटा फूटा। आपको मैं रंग दिखाऊंगी थोड़ी देर में, जब कट के आएगा तो आपको पता चलेगा ये मेल्ट तो पहले हो नहीं रहा था। इसको फिर हमने मेल्ट करने के लिए पहले ओवन में डाला, ओवन में डाला तो हो नहीं रहा था, देन हमने इसको स्टीमर पे बॉईल किया, बॉईल मनी मेल्ट कराया, उससे भी काम नहीं बना था, हमने फिर से इसको ओवन में डाल दिया। फिर हुआ तो सही पड़ा, फिर देखो क्या हुआ वो आपको भी देख के पता चल ही जाएगा। जो मुझे डर था वही हुआ है। ऐसे तो कहने को कलरफुल निकल के आया है, बट हमने बहुत सारे मेल्ट नहीं करते, हम नुकसान नहीं करना चाहते बहुत सारे क्रेयॉन्स का, तो हमने सिर्फ एक सेट ऑफ क्रेयॉन्स डाला था, तो अगर आप भर के डालते तो बन जाता, बट द थिंग इज साइड साइड में थोड़े बहुत कलर्स रह गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला हैक डेफिनेटली वर्क करता है, इट्स जस्ट कि मेल्ट करने में थोड़ा सा जोर आएगा, बट मेक श्योर अगर आपको कलरफुल चाहिए तो कलर्स आप थोड़ा सोच के डालें, क्योंकि थोड़ा सा भी डार्क कलर आया तो सब मिक्स होकर बहुत ही डार्क कलर आएगा जैसे कि मेरा आया, बट कोई बात नहीं, इट्स लुकिंग गुड। उन्होंने इसके कोनों को भी वो करा था, तो वो भी मैं कर लेती हूँ एक बारी। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, मैंने इसको कट और पॉलिश कर दिया एक तरीके से, तो ये काफ़ी शाइनी हो गया है। उन्होंने भी कट करा था तो मुझे समझ नहीं आता क्यों कट कर रहे हो, वेस्ट हो रहा है, बट कट करने से क्या होता है अंदर के कलर्स जो मेल्ट हुए ना वो बहुत प्यारे आ रहे थे, लाइक स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था ना कि सिर्फ ब्लैक है, बट कट करने के बाद अंदर से रेड पिंक येलो सब आ रहा है बाहर से, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। अगर मैं इसको बड़ा बनाती तो शायद ये और भी प्यारा लगता, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो आई एम गोना रेट इट 10/10। आप अलग अलग कलर्स के बना सकते हैं, रैंडम शेप्स बना सकते हैं, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। सो 10/10। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके गाइस, नेक्स्ट हैक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हैक में हमने करना है हमारे टी शर्ट का खात्मा, और उसके लिए हमने लगाना है बीच में दिल, तो हमने एक ऐसा सा बच्ची से सा दिल बना तो दिया है, ये कुछ इस तरीके से लगता है, बड़ा प्यारा लग रहा है कि नहीं। ओके गाइस, मैंने ले लिया है यहाँ पे 6 कलर्स और मैं वापस से रंग बिरंगा कुछ बनाना चाह रही हूँ, तो हम करेंगे इनको मेल्ट और इससे बना के देखते हैं और कैसा लगता है देखेंगे। सो लेट्स ट्राई इट आउट। तो सबसे पहले जला लेते हैं इस कैंडल को। सो सी, जला लिया। सो अब हम कैंडल को, और आप देख रहे होंगे इसको ये UFO क्यों टोपी की तरह पहना के रखा हुआ है, वो इसलिए पहना रखा है क्योंकि फिर कैंडल भी इधर उधर गिरती फिरेगी ना, क्योंकि वो भी तो है तो वैक्स ही। सबसे पहले कर लेते हैं रेड। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का रेडी हो गया है, मैं इसको खड़ा करके तो गाइस ये कुछ टी शर्ट को इस तरीके का लग रहा है, नॉट क्वाइट श्योर आपको कितना दिख रहा है, बट या बहुत प्यारा लग रहा है। आई एम गोना रेट इट लाइक 10/10 बिकॉज काफी 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 क्यूट लग रहा है। धुलने के बाद कैसा लगेगा आई हैव नो क्लू, बट एज फार एज आई नो वैक्स इतनी इजली नहीं उतरती है वॉश में, अगर आप ठंडे में वॉश करें, गर्म पानी में गलती से भी वॉश कर दिया तो सब इधर का उधर हो जाएगा, तो डोंट डू दैट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हैक है हमारा बड़ा ही शानदार, और वो है हमारे ग्लू गन में हमने डालनी है ये कैसा क्रेयॉन्स, और क्रेयॉन्स डाल के हमने सजानी है मग। अब मग जो है हमारे पास प्लेन सफेद मग नहीं था, तो हम सोच रहे हैं कि हम ये जो एक कचरा सा मग है जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, हम बिल्कुल उपयोग में नहीं लेते, तो इसी को इतने से पार्ट को सजा के देख लेते हैं। हमने तो सिर्फ हैक टेस्ट करना है ना, रेनबो कलर्स डाले जाए, तो पहले मैं डालूंगी लाल, फिर पीछे पीछे मैं ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू ऐसे करके डाल के बनाऊंगी। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट। ओके गाइस, तो मैंने मेरे कचरे से मग को और ज़्यादा कचरा बना दिया है। आपने देखा मैं बेचारी, मैं ग्लू गन से मैं मेहनत कशक्कत करके कलर निकालने ट्राई करती हूँ और सक्सेसफुल भी हो जाता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द थिंग वाज
कि यार ग्लू भी उसके अंदर फंसी हुई थी, तो इसमें सबका सब ग्लू भी आता, तो कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट हाँ हैक अच्छा है, बट स्टिल I'm gonna rate it just 8 and not 10. तो दो पॉइंट इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये ड्रिप जो आनी होती है वो बिल्कुल ही एक सीधे उसमें एंगल में नहीं आ पा रही थी. Also because wax फटाफट से सूख भी जाती है बाहर के अच्छे ठंडे एटमोसफेयर पे आते ही, सो वो भी एक प्रॉब्लम थी. तो यार दैट्स ऑल अबाउट दैट. रिवील करने की बारी हमने किसी वो तो करें, तो हम इस टेप कुछ ऐसे उतर रहा था, बट ठीक है हम थोड़ा वैसे लिटा के खोलने का ट्राई करते हैं कि तब भी टूटना होगा तो वो टूटे गई, कोई बात नहीं. तो बचे कुचे हैं वो हैं वहाँ पे, बट बाकी सब रेस्ट इन पीस हो चुके हैं. सो अब इस कप को भी रेस्ट इन पीस कर देते हैं. अब इसको धोएंगे, इसकी सारी वैक्स ऐसे ही निकल जाएगी जो निकल ही रही है इसमें से, तो इसलिए भी मैं दो नंबर काट रही हूँ, 8 point only. So yeah, that's all about this one. Let's move on to the next one. Boop. Okay guys, so the next hack है वो है काफी क्रिएटिव ऐसे तो, बट पता नहीं मैंने कभी ट्राई करा नहीं, आई डोंट थिंक मैंने ट्राई करा है. तो इसमें ये लोग कर रहे हैं कोकोनट को गर्म, मतलब ऑयल को गर्म करके उसमें डाल देंगे ये लोग वैक्स क्रेयॉन, और उससे बन जाएगी रंग बिरंगी, आई मीन रंग बिरंगी क्या, रंग वाली लिपस्टिक. तो ये ट्राई कर रहे थे, ये मुझे नहीं पता कि भैया वैक्स की आप लिपस्टिक लगाएंगे और गलती से आप उसको थोड़ा बहुत खा लेंगे, ऑब्वियसली अदर लिपस्टिक हम थोड़ी थोड़ी खाते ही हैं, कोई भी डिनाई नहीं कर सकते इस बात को. तो वो जो जाएगी वो कितनी हेल्दी होगी, तो हम ट्राई करके देख लेते हैं और पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं. यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म तेल आ चुका है, हम बहुत सारा डीप कलर नहीं बनाना चाहते, तो हम एक पीस डालते हैं पहले और पहले इसको मिक्स कर लेते हैं. ओके गाइस, मैंने उतार ली है अपनी लिप शेड और अब लगाएंगे हम ये वाली कोकोनट वाली लिप शेड, और लेट्स सी कितनी अच्छी लिप शेड बनती है. तो गाइस ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, कहने को तो बुरा नहीं लग रहा है, बट इट्स जस्ट कि पहले थोड़ा ज्यादा ग्लॉसी लग रहा था, अब जम रहा है थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा सा नियॉनिश शेड आ रहा है, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा यकी फील हो सकता है क्योंकि कोकोनट बहुत ज्यादा ड्रिपी होता है, एंड देन अभी बिकॉज मैं एसी के नीचे बैठी हूँ तो वो ठंडा हो रहा है वैक्स एंड कोकोनट एज वेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा इस तरीके से मैटिफाई लग रहा है. पिंक मुझे मेरे स्किन टोन पे इतना प्यारा नहीं लग रहा है, बट या ओवरऑल इट्स अ गुड हैक, आई एम गोना रेट इट लाइक 8-ish. क्यों दो पॉइंट काट रही हूँ, क्योंकि वैक्स आपको अपने होठों पे नहीं लगानी चाहिए, इट्स नॉट रियली हेल्दी, एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक. तो इस वजह से दो पॉइंट कट. नाउ मूव ऑन टू द आउट्रो. So that was it for today's video guys. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और एंटरटेनिंग लगा हो. अगर लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, उससे मुझे पता चल जाता है, एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, उससे मुझे पता तो नहीं चलता, बट हाँ मुझे प्यारा प्यारा फील जरूर आता है जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियोज पोस्ट करती हूँ एवरी वीक, वो भी 4, तो यार मेहनत बहुत लगती है, सब्सक्राइब कर देना है ना. एंड साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, दैट इज द बुक डॉल, एंड नाउ I will see you in my next video. Bye.